आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में इन दिनों कपास उत्पादक किसानों की समस्या बढ़ती ही जा रही है। जिस तरह सोयाबीन की कीमतों को लेकर किसान चिंतित थे, अब ठीक उसी तरह कपास उत्पादक भी कपास के भाव को लेकर संकट में है। कपास की कीमतें पिछले एक महीने से स्थिर होने के कारण व्यापारी भी खरीदारी करने से कतरा रहे हैं। इसके अलावा कपास का मौसम भी अपने अंतिम चरण में है और ऐसे में अंतिम बिक्री पर गुलाबी सुंडी कीट का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके चलते गुणवत्ता खराब हुई है, जिससे किसानों को दोहरी संकट का सामना करना पड़ रहा है। मूल्य स्थिरता और घटती मांग के कारण किसान भ्रमित हैं कि भविष्य में क्या होगा। कपास उत्पादकों की स्थिति सोयाबीन उत्पादकों की तरह है। इस साल कपास की खरीद शुरू होने पर रिकॉर्ड भाव प्राप्त हुआ था। 10,000 रुपए क्विंटल मिलने पर भी खरीदार थक रहे थे। मांग ज्यादा होने और आपूर्ति ना होने के कारण व्यापारी गांव-गांव घूमकर कपास खरीदकर खेड़ा खरीदी केंद्रों को बेच रहे थे। इससे किसान भी इस तथ्य से संतुष्ट थे कि लेन देन उचित है, लेकिन पिछले एक महीने में कोरोना के बढ़ते प्रसार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कपास की मांग को कम कर दिया है। नतीजतन निर्यात पर असर के कारण अंतिम चरण में कपास की कीमतों में कमी आई है। जहाँ पहले कपास की कीमत 10,000 रुपए हुआ करती थी, वही अब 7,000 से लेकर 8,000 रुपए हो गई है। अब कपास उत्पादक किसान असमंजस में है कि भविष्य में कपास की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। सोयाबीन की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी, इसलिए कृषि विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आवश्यकता के अनुसार कपास बेचना किसानों के लिए लाभकारी निर्णय साबित हो सकता है। इसलिए रेट कम होने पर भी नुकसान कम होगा और ऊपर जाने पर भी कम नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान अपनी सारी कपास की फसल को स्टोर कर लेते हैं तो गुलाबी सुंडी कीटों का खतरा बना रहेगा। इसलिए किसानों को चरणबद्ध तरीके से कपास बेचने से ही फायदा है। सीजन की शुरुआत में कपास को 10,000 रुपए में बेचा गया था, लेकिन रुक रुक कर होने वाली बेमौसम बारिश और जलवायु परिवर्तन ने गुलाबी सुंडी कीटों की घटनाओं में वृद्धि की है, जिससे कपास की गुणवत्ता में कमी आई है, जिसके कारण कपास की बिक्री में कमी देखी जा रही है। वहीं कुछ जिलों में किसानों ने कपास को भंडारण करना शुरू भी कर दिया है। किसान इस उम्मीद में है कि कपास को फिर सब अच्छे दाम मिलेंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।